हेलो, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं MSB मोटो ब्लॉग्स। तो यार, मेरे पिछले वीडियोस में जो एक्सपल्स 200 का माइलेज टेस्ट वाला था, रिव्यू वाला था, उसमें कई लोग पूछ रहे थे कि क्या हमें भी ये बाइक ले लेनी चाहिए। हाँ, ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा रुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके स्पोक व्हील्स में रस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है। कुछ वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पर देखे थे जिसमें इसके स्पोक व्हील्स में रस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प ने ये स्पोक व्हील्स उनको बदल के भी दिए जिनके उसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन मेरी बाइक में ये प्रॉब्लम केवल स्पोक व्हील्स तक सीमित नहीं है, ये और जगह भी इसमें रस्टिंग आ रही है। तो वही दिखाने के लिए आज का ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले आप इसके पीछे वाले व्हील्स में देख सकते हो, जहाँ पर हवा भरने का होता है, सबसे ज़्यादा रस्टिंग यहीं पर है। इसमें तीली में भी लगी है, स्पोक व्हील्स में भी है, यहाँ पे है, और कुछ छिटमुट और भी तीलियों में है, लेकिन वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। बाकी फ्रंट टायर में ये देख सकते हो आप, यहाँ पे भी रस्टिंग आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे रस्टिंग आ रही है, इसके अलावा यहाँ पे रस्टिंग आ रही है, इसके अलावा साइलेंसर के नट में भी रस्टिंग आ रही है, यहाँ पे भी रस्टिंग आ रही है, इसके अलावा ये रस्टिंग आ रही है यहाँ पे हैंडल के ठीक नीचे, यहाँ देख सकते होगे आप, इस साइड से भी देख सकते हो। इसके अलावा एक ये रस्टिंग यहाँ पे भी है, रुको, ये देख सकते हो, यहाँ पूरी बड़ी बुरी तरीके से रस्टिंग लगी हुई है, ये इधर। इसके अलावा ये रस्टिंग आ रही है यहाँ शॉकर्स के ऊपर वाले नट में, इधर भी ये रस्टिंग बन रही है। बाकी इसके अलावा इसकी ये जो सीट है ना, सीट पूरी सही तरीके से फिट है, लेकिन ये पीछे जब दबती है तो पता नहीं क्यों हल्की सी आवाज़ करती है, सुनना। ये ऐसी आवाज़ नहीं करनी चाहिए थी, जबकि ये पूरी तरीके से सही से फिट है, उसके बाद भी ये आवाज़ कर रही है। तैयार, इसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम इतनी जगह आ रही है, मतलब मैं सोच रहा था कि अगर मैं बाहर से इतनी जगह रस्टिंग पकड़ ले रहा हूँ, तो इसमें अंदर जो बॉडी के अंदर के पार्ट्स नहीं दिखते हैं, उस जगह कितनी रस्टिंग होगी, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। फ़िलहाल मैंने इसकी कंप्लेंट हीरो मोटोकॉर्प में लगा रखी है, हीरो के शोरूम में नहीं, सीधे डायरेक्ट हीरो मोटोकॉर्प में, तो वहाँ से मुझे कंप्लेंट नंबर भी मिला हुआ है, लेकिन हालाँकि अभी तक मुझे वहाँ से कोई कॉल या कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो मैंने दोबारा उनको मैसेज किया था, तो उन्होंने कहा था आप अश्योर रहें, आपको जल्द ही कॉल आएगी, इस बारे में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ, कब तक इसका क्या सॉल्यूशन मिलता है। उम्मीद है मेरे भी स्पोक व्हील्स चेंज कर दिए जाएंगे और जो भी इसमें रस्टिंग वाले पार्ट्स हैं वो सब। तो बस इतना ही था वीडियो में, जिन जिन को लेने की जल्दी है थोड़ा सा सब्र रखें, या फिर बाइक को बहुत अच्छे से चेक करने के बाद ही लें कि इसमें कहीं भी कोई भी रस्टिंग की प्रॉब्लम ना हो। इवन सीट के अंदर भी चेक कर लें अच्छे से, और स्पोक व्हील्स में और जो नट बोल्ट वगैरह होते हैं इसके, वो सब चेक करने के बाद ही लें फ़िलहाल फर्स्ट लॉट तक, क्योंकि मुझे लगता है सेकंड लॉट में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। क्योंकि फर्स्ट लॉट में ही जिस बाइक में जो भी प्रॉब्लम आनी होती है वो सब फर्स्ट लॉट में ही आती हैं, तो थोड़ा सा या तो सेकेंड लॉट तक रुक लें, या फिर फर्स्ट लॉट में थोड़ा सा अच्छे से चेक कर ही बाइक को लें। होप सो आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ कहना या पूछना हो तो कमेंट कर लेना। बाकी जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो जाके कुछ मेरे पुराने ट्रैवलिंग वीडियोस देख लो, अच्छे लगेंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी जो लोग पूछ रहे थे कि मैं नेक्स्ट ट्रिप पर कब जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं इसकी फ़र्स्ट सर्विस तक के लिए रुका हुआ था, आज ही इसकी फ़र्स्ट सर्विस होनी है, तो मैंने सोचा वीडियो बना के दिखा दें पहले। फ़िलहाल ये मेरे 718 किलोमीटर हो गए हैं, 750 किलोमीटर पे इसकी पहली सर्विस होनी है, तो अभी इसके बाद मैं इसकी सर्विस करवाने ही जा रहा हूँ। फर्स्ट सर्विस होने के बाद हम इसमें कोई ट्रिप वगैरह करते हैं जल्दी। एक्चुअली अभी तक मैं मेन इसलिए भी रुका हुआ था क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड वगैरह चल रहा है,
तो इसीलिए मैं रुका हुआ था। बाकी आज मैं फ़र्स्ट सर्विस कराने के बाद जल्दी ही कल परसों नरसों मुझे नहीं पता कब जल्दी ट्रिप पे निकलता हूँ और वीडियो लेके आता हूँ।